अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रेड अकेडमी। हमारा आज का लेक्चर बीएससी मैथमेटिक्स मैथमेटिकल मेथड्स के चैप्टर 3 पे बेस्ड है एंड चैप्टर 3 ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स इज अबाउट मैट्रिसेस। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के तमाम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे एंड वी विल प्रूव सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले आप मैट्रिसेस को 9th क्लास में और एफएससी पार्ट 1 में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन बीएससी कोर्स में हम मैट्रिसेस को एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे और एक डिफरेंट अप्रोच से स्टडी करेंगे। तो जब भी मैट्रिसेस की बात होती है तो हमारे माइंड में सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। तो आपके ख्याल में मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो हम मैट्रिक्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो व्हाट इज अ मैट्रिक्स। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर arrangement of real or complex numbers . Okay, now here rectangular means that we write the numbers in horizontal and vertical. तो मैट्रिक्स में हम किसी भी मैट्रिक्स में हम नंबर्स को, रियल नंबर्स को या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 5 -2 3, ये एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमने नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल वे ऑफ राइटिंग द नंबर्स है, इसको हम कहते हैं रोज, एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ नंबर्स इसको हम कहते हैं कॉलम्स। तो एक मैट्रिक्स में हम रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, रोज या कॉलम्स के फॉर्म में लिखते हैं। एंड द नंबर्स रिटन इनसाइड अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड इट्स एंट्रीज और एलिमेंट्स। तो हेयर -2 इज एन एंट्री और एलिमेंट। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को या साइज को डिटरमिन करता है। सो व्हाट इज एन ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो द ऑर्डर or size of a matrix is determined by the number of rows and number of columns. So the order of a matrix is equal to number of rows cross number of columns. So this notation is not the ordinary multiplication. ये आम multiplication नहीं है, ये इसको हम क्रॉस पढ़ते हैं। तो suppose if a matrix has m rows and n columns, then its order will be equal to, so the order or size of the matrix will be equal to m बाय n और m क्रॉस n, इसको हम पढ़ते हैं m बाय n। तो मैट्रिसेस को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 3 0 5 -9 6 1 2 3 7। सपोज ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है। तो अब इसका ऑर्डर हमने लिखना है, तो ऑर्डर इसका क्या होगा, उसके लिए हमने देखना है इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए में 1 2 3 रोज हैं एंड 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 बाय 3। सो दिस इज अ 3 बाय 3 मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि हम मैट्रिसेस को किन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद जब भी हम मैट्रिसेस की बात करेंगे या मैट्रिसेस को लिखेंगे तो हम उनको जनरलाइज करके लिखेंगे, उनको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। सो व्हाट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास एक m बाई n मैट्रिक्स है। सो वी हैव अ मैट्रिक्स A m बाई n, सो इट हैज m रोज एंड n कॉलम्स। तो इसको हम जनरलाइज इस तरह कर सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसकी एंट्रीज को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये इसकी एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सो दिस इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एंड अप टू सो ऑन। तो लास्ट एंट्री होगी फर्स्ट रो एंड nth कॉलम, क्योंकि यहाँ पे इसके n कॉलम्स हैं और m रोज हैं। इसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम अप टू सो ऑन, और सेकंड रो में जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी सेकंड रो एंड nth कॉलम। हेयर अप टू सो ऑन, फर्स्ट कॉलम में जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी am1, तो mth row and first column, and this will be mth row and second column and up to so on। जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी mth row and nth column। तो ये एक जनरल फॉर्म होगी मैट्रिक्स की। सो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्म भी है जो कि एक शॉर्ट या एब्रीविएटेड फॉर्म है मैट्रिक्स की। तो हम इसी मैट्रिक्स ए को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। सो दिस फॉर्म इज एन एब्रीविएटेड और शॉर्ट फॉर्म। So this is also a general form, but it is an abbreviated or short form. अब ये जो फॉर्म है मैट्रिक्स की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम जब भी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे या मैट्रिसेस को हम जनरलाइज्ड वे में लिखेंगे तो हम इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो एंट्रीज ए आई जे हैं, ये बेसिकली ए आई जे जो है वो तमाम एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए को शो कर रहा है, और यहाँ पे आई जो है वो रो नंबर को शो करता है और जे जो है वो कॉलम नंबर को शो करता है। सो ए आई जे इज बेसिकली एन एंट्री इन ith row ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ ए। सो हेयर आई जो है इट शोज रो नंबर एंड इट्स वैल्यूज आर फ्रॉम 1 2 3 अप टू द नंबर ऑफ रोज विच इज m, एंड जे इज कॉलम नंबर and it ranges from 1, 2, 3 up to n. अब हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की कि कोई से भी दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि कोई भी मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए उनके ऑर्डर्स या साइजेस सेम होने चाहिए और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। सो टू मैट्रिसेस आर इक्वल, सो इक्वल मैट्रिसेस So two matrices A and B are equal matrices if number 1 they have the same order and their corresponding entries are equal. तो जनरलाइज फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं कि Aij, so any entry in the matrix A will be equal to the corresponding entry in the matrix B. So Aij will be equal to Bij. So this means the corresponding entries of the matrix A and B are equal. तो अगर किस matrices में same orders हों और corresponding entries उनकी equal हों तो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस आर, so operations on matrices तो matrices के जो main operations हैं वो ये हैं कि addition, so two matrices can be added and multiplication, so we can multiply matrices, and multiplication is of two types. The one is the multiplication of a matrix with a number, real number, and that is called scalar multiplication, and then the multiplication of a matrix by another matrix. Scalar multiplication. And multiplication by matrix. तो सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। So addition of matrices. जब भी हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम कोई से भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं या एडिशन के लिए एक ख़ास रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली हम सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं कि जिनके साइजेस या ऑर्डर सेम हैं। So two matrices suppose A and B are conformable for addition if they have the same orders. So any two matrices with the same orders can be added. तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि A और B दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर्स हैं वो m/n हैं। सो हम मैट्रिक्स A को इस तरह लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स A इन इट्स जनरल फॉर्म इज Aij with order m/n and B is Bij और इसका भी ऑर्डर है m/n। तो ये जनरल फॉर्म्स हैं मैट्रिक्स A और B के। तो जब हम इनको ऐड करेंगे A प्लस B तो हम इन मैट्रिसेस का सम फाइंड करने के लिए हम दोनों मैट्रिसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मींस कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स की ij एंट्री को B मैट्रिक्स की ij एंट्री में ऐड करेंगे। सो उनके करस्पॉन्डिंग पोजिशन पे जो एंट्रीज होंगी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही हम ऐड करेंगे। तो इट मीन्स A प्लस B विल बी अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द ij एंट्री ऑफ मैट्रिक्स A टू द ij एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स B। सो A प्लस B की सम ऑफ A प्लस B की जनरल फॉर्म ये होगी Aij प्लस Bij। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A और इसकी जनरल फॉर्म है Aij m/n। हमारे पास मैट्रिक्स A जो है वो m/n का एक मैट्रिक्स है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। और सपोज कि K कोई भी एक स्केलर है तो K टाइम्स A स्केलर है, रियल नंबर है, तो K टाइम्स द मैट्रिक्स A विल बी अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स बाय K। तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे कि जिस नंबर से स्केलर से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस स्केलर से हम मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑर्डर उसका सेम रहेगा और जो स्केलर मल्टीपल होगा मैट्रिक्स का वो कैसे आएगा कि हम मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज the general form of scalar multiplication of matrices। तो matrix multiplication की क्या condition है कि हम किन दो matrices को multiply कर सकते हैं। तो matrix multiplication में अगर हमारे पास product में the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix, then हम उनको multiply कर सकते हैं। So two matrices are conformable for multiplication if in the product the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix। और जब भी हम प्रोडक्ट में ये एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, सपोज 3 4 5 6, और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2 5 9 -6। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए टाइम्स बी में, हम फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, इस तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है m/n और दूसरा मैट्रिक्स बी है और उसका ऑर्डर है n/p। तो अब क्योंकि इन फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड में नंबर ऑफ रोज सेम है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी a टाइम्स b आएगा उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी? तो जब हम a टाइम्स b करेंगे तो प्रोडक्ट की जनरल फॉर्म क्या होगी? तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट में हम फर्स्ट मैट्रिक्स के किसी भी रो से हम कोई एंट्री लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के उसको हम कॉलम की एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम a टाइम्स b की जो जनरल फॉर्म होगी वो ये होगी कि हम वी विल टेक एन एंट्री इन ith रो ऑफ a एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद एन एंट्री इन jth कॉलम ऑफ b। और फिर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टू फर्स्ट, 1 to 1, 2 to 2, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या k टू k। यहाँ पे k जो है वो वेरी करेगा 1 2 3 एंड सो ऑन। और फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो k गोज फ्रॉम 1 to n। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म होगी प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस a एंड b। तो अब ये जनरल फॉर्म क्या शो करती है? इट मीन्स a टाइम्स b की जो एंट्रीज होंगी वो कैसे आएंगी? हम a मैट्रिक्स की एंट्री लेंगे ith रो से और उसको b मैट्रिक्स की jth एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सिग्मा है, ये समेशन है, ये एडिशन को शो करता है। तो इट मीन्स जनरलाइज फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट हमें ये बताती है कि दैट दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ the product of entry in ith row of a and jth column of b। so product find करने के लिए matrices में हम प्रोडक्ट इस तरह फाइंड करेंगे हम कि फर्स्ट एंट्री जो हम ए से लेंगे, ith रो से लेंगे और उसको हम बी मैट्रिक्स के jth एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको हम ऐड कर देंगे। तो इस फॉर्म को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। जब भी हमारे पास ये फॉर्म आएगी तो फौरन हमने समझ जाना है कि यहाँ पे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस सिग्मा नोटेशन से। और मैट्रिसेस के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है ये कम्प्यूटेटिव नहीं होती। सो फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जबकि एडिशन कम्प्यूटेटिव होती है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्प्यूटेटिव नहीं होती। तो अभी तक हमने मैट्रिसेस की एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन की जनरल फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ थ्योरम्स को प्रूव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थ्योरम इज दैट लेट A be m by n matrices, so we have two matrices of the same order over a field F। अच्छा, तो मैट्रिसेस की जो भी एंट्रीज होती हैं वो, जैसे हमने देखा था कि वो रियल नंबर्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो बेसिकली वो फील्ड्स के एलिमेंट्स होते हैं। रियल नंबर्स भी आपको पता है कि एक फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक फील्ड है। तो जो भी मैट्रिसेस की एंट्रीज होती हैं वो फील्ड से ली जाती हैं। ओवर अ फील्ड एफ एंड लेट ए एंड बी बिलोंग टू द फील्ड एफ, देन नंबर वन ए प्लस बी टाइम्स ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, A times A plus B is equal to AA plus AB, A times BA is equal to AB times A, 1 times A is A। तो अब हमने इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन की जनरल फॉर्म को यूज करते हुए। तो आइए अब हम इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ्स को देख लेते हैं। वी स्टार्ट विद we have A plus B times A। इस मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं A plus B times Aij, so which is equal to A times Aij plus B times Aij। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे ये ए प्लस बी, ए बी और ए आई जे ये सब नंबर्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज कर लिए, विच कैन बी रिटन एज ए टाइम्स ए आई जे प्लस बी टाइम्स ए आई जे। हेयर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन की प्रॉपर्टी को यूज़ किए। यहाँ हमारे पास सिंगल सम था और इसको हमने सम ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स लिखे, सो विच इज इक्वल टू दिस इज ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स ए। यहाँ पे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यूज़ किया, तो ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विद ए मैट्रिक्स इन एयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी विद ए मैट्रिक्स, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Now we prove the second part, so A times A plus B, तो इस मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होगी A times Aij plus Bij और यहाँ पे अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यूज करें तो हम इसको करेंगे a टाइम्स ए आई जे प्लस a टाइम्स बी आई जे, सो विच इज इक्वल टू ए आई जे प्लस ए बी आई जे। एडिशन, सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सो विच इज इक्वल टू a टाइम्स ए प्लस ए टाइम्स बी। यहाँ पे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूज की। सो हेंस ए टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। नाउ वी प्रूव द थर्ड पार्ट, इट इज ए टाइम्स बी ए। तो इस मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होगी, ए टाइम्स बी ए आई जे, जिसको हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी टाइम्स ए आई जे। यहाँ पे हमने एसोसिएटिविटी को यूज किया है और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अगर हम देखें तो देट इज ए बी टाइम्स ए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Now the last part, so 1 times A matrix, तो इसकी जनरल फॉर्म होगी 1 times Aij, so which is equal to Aij, so which is equal to matrix A, proved। तो इस तरह हमने इस थ्योरम की ये प्रॉपर्टीज प्रूव किए। तो जैसे कि हमने देखा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ थी मैट्रिसेस की, उनके प्रूफ्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से मुताल्लिक प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ्स करेंगे। सो वी हैव अ थ्योरम दैट इफ ए बी सी आर कन्फर्मेबल फॉर इंडिकेटेड सम्स एंड प्रोडक्ट्स, then we have to prove A times BC is equal to AB times C, which is associative law of multiplication of matrices. Then A times B plus C is equal to AB plus AC, which is left distributive law of multiplication over addition. This is right distributive law. And similarly, K times AB is equal to KAB is equal to A times KB, where K is any element of field. So we have to prove this theorem. So we will use the general forms of matrices of addition and multiplication. So to start with, here let's recall that if we have a product AB of two matrices, and if we are going to write its ijth entry, then first we take the ith entry of A and multiply it with jth entry of B, and if we multiply, when we multiply a row with a column, we multiply its first element with its first element, second element of the row to the second element, third to third, and so on. So here we write K, K, and then we add, then we add over K. So we use sigma notation for this. So this is the general form to find the ijth entry of the product of two matrices. So we start with the first proof. So here we have to prove that A times BC is equal to AB times C. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड भी एक मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड भी एक मैट्रिक्स है। तो हमने ये शो करना है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो जैसे कि हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन में देखा था कि कोई से भी दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं कि जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज सेम हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऑर्डर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m बाई n, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाई p, और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p बाई q। अब लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, पहले हम बी सी का ऑर्डर देख लेते हैं। सो ऑर्डर ऑफ बी सी, बी सी का ऑर्डर क्या होगा? अब देखें, बी का ऑर्डर है एन बाई पी और सी का ऑर्डर है पी बाई क्यू। तो बी सी का ऑर्डर क्या होगा? एन बाई क्यू। अब ए टाइम्स बी सी का ऑर्डर क्या होगा? सो ऑर्डर ऑफ ए टाइम्स बी सी। तो ए का ऑर्डर है एम बाई एन और बी सी का ऑर्डर है एन बाई क्यू। ए टाइम्स बी सी का ऑर्डर होगा एम बाई क्यू, एम बाई क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज एम बाई क्यू। अब राइट हैंड साइड का ऑर्डर देख लें तो यहाँ पे ए बी का ऑर्डर क्या होगा, सो ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ए बी का ऑर्डर होगा ए इज एम बाई एन, बी इज एन बाई पी, तो ए बी का ऑर्डर होगा एम बाई पी। तो ऑर्डर ऑफ ए बी टाइम्स सी, ए बी का ऑर्डर है एम बाई पी और सी का ऑर्डर है पी बाई क्यू, तो ए बी टाइम्स सी का ऑर्डर होगा एम बाई क्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी, ए टाइम्स बी सी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी टाइम्स सी। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के ऑर्डर सेम है। अब हम प्रूव करेंगे कि क्या इनकी एंट्रीज, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं कि नहीं। तो हम दोनों की आई जेथ एंट्रीज लेके चलेंगे और देखेंगे और उनको प्रूव करेंगे कि वो भी इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ए टाइम्स बी सी, ये जो मैट्रिक्स है इसकी आई जेथ एंट्री देखते हैं। तो इसकी आई जेथ एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए टाइम्स बी सी, तो यहाँ पे ए और बी सी का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की ये जनरल फॉर्म यूज करेंगे आई जे एंट्री के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ए की ith एंट्री लेंगे और प्रोडक्ट में जो सेकंड पार्ट है बी सी, और बी सी की हम jth एंट्री लेंगे, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रो की एंट्री को कॉलम से, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, जहाँ आ जाएगा k, और फिर हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो दिस थिंग, इसी तरह इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, सिग्मा के एज इट इज, ए आई के एज इट इज। यहाँ पे देखें दोबारा बी और सी का प्रोडक्ट आ रहा है, बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा से ये समेशन यूज करेंगे। तो यहाँ हम मैट्रिक्स बी की kth एंट्री लेंगे और सी की jth एंट्री लेंगे, और अब यहाँ पे कोई वेरिएबल, डमी वेरिएबल, जिस तरह वहाँ पे k था, यहाँ पे हम m ले लेते हैं और फिर इनको हम ऐड कर लेंगे ओवर m। तो ये हमारे पास एक डबल समेशन आ जाएगा इसमें। अच्छा, तो अब हम इसको लिखेंगे सिग्मा k a i k अच्छा, अब यहाँ आप देखें कि ए आई के जो है और आगे सिग्मा समेशन विद रिस्पेक्ट टू एम है, तो ए आई के जो है इसमें कोई एम नहीं है, तो ए आई के जो है वो समेशन एम के लिहाज से एक कांस्टेंट है, तो हम इस कांस्टेंट को समेशन के अंदर मूव कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे तो सिग्मा के एज इट इज, तो सिग्मा एम, तो ए आई के यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए आई के, देन बी के एम एंड सी एम जे। अब हम समेशन एम और समेशन के को इंटरचेंज कर लेंगे, तो पहले हम सिग्मा एम लिख लेते हैं, फिर सिग्मा के लिख लेते हैं, और फिर ए आई के, बी के एम एन सी एम जे। और अब अगर आप इस पार्ट को देखें समेशन के ए आई के बी के एम, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट है ए और बी का, तो यहाँ पे हम ए की ith एंट्री को बी के mth एंट्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा एम एज इट इज। तो यहाँ पे हमारे पास ए टाइम्स बी की आई एम एंट्री आ जाएगी, तो वी हैव ए बी आई एम एंट्री और साथ में सी एम जे एज इट इज। और यहाँ अगर आप दोबारा से देखें तो फिर हमारे पास समेशन फॉर्म में दोबारा प्रोडक्ट फॉर्म आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पे हम ए बी की ith एंट्री लेंगे और सी की j एंट्री लेंगे, सो दैट इज इक्वल टू ए बी टाइम्स सी कि हम आई जे एंट्री। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ए टाइम्स बी सी की ith jth एंट्री इज इक्वल टू ए बी टाइम्स सी की ith jth एंट्री। तो इट मीन्स के ए टाइम्स बी सी और ए बी टाइम्स सी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हैं, इक्वल हैं। और ऑर्डर हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि इनके ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हेंस ए बी टाइम्स सी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी सी। सो वी हैव प्रूव्ड दिस पार्ट ऑफ द थ्योरम, फर्स्ट पार्ट। अब हम थ्योरम के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो वी प्रूव द सेकंड पार्ट। सो यहां पे भी हम सबसे पहले देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मैट्रिसेस हैं, इनको हमने इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इनके ऑर्डर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि a टाइम्स बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे भी देखें, अगर हम ऑर्डर को देख लें पहले। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थी तीनों मैट्रिसेस की, तो हमने उनके ऑर्डर्स इस तरह लिए थे, a का m बाई एन, बी का n बाई पी और c का p बाई क्यू, ताकि वो आपस में कन्फर्मेबल हों मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर हम बी और सी की बात करें तो वो ऐड हो रहे हैं। अच्छा, अब देखिए अब हमने ऑर्डर्स जो हैं तीनों मैट्रिसेस के ए बी सी के यहाँ पे इस तरह लेने हैं ताकि बस ये इनके सम और प्रोडक्ट्स कन्फर्मेबल हों। तो यहाँ पे देखें बी और सी ऐड हो रहे हैं, तो इट मीन्स इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब इस तरह ए और बी का प्रोडक्ट है, फिर ए और सी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर ले लेते हैं एम बाई एन, और बी और सी दोनों का सेम ऑर्डर होगा, उनको हम ले लेते हैं एन बाई पी। इस तरह हमारे पास ये ऑर्डर लेने से तमाम बी प्लस सी भी कन्फर्मेबल होगा और ए बी और ए सी भी कन्फर्मेबल होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी प्लस सी क्या होगा। अब देखें बी का ऑर्डर है एन बाई पी, सी का एन बाई पी, तो बी प्लस सी का भी ऑर्डर क्या होगा, एन बाई पी। ऑर्डर ऑफ ए टाइम्स बी प्लस सी, ए का ऑर्डर है एम बाई एन और बी प्लस सी का ऑर्डर है एन बाई पी, तो एम बाई एन टाइम्स एन बाई पी, तो ये होगा एम बाई पी। तो लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर हो गया एम बाई पी। अब हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, सो ऑर्डर ऑफ ए बी। सो ए का ऑर्डर है m बाई एन और b का ऑर्डर है n बाई पी, तो ए बी का ऑर्डर होगा m बाई पी। सिमिलरली ए सी का ऑर्डर होगा a का ऑर्डर m बाई एन और c के n बाई पी, तो ये होगा m बाई पी। और ए बी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी का भी ऑर्डर क्या होगा, सो ऑर्डर ऑफ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू एम बाई पी। तो हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड का ऑर्डर है एम बाई पी, तो लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर भी एम बाई पी है, राइट हैंड साइड का ऑर्डर भी एम बाई पी, तो ऑर्डर्स दोनों साइड के सेम हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड की भी ith jth एंट्री ले लेनी है और इसकी भी ith jth एंट्री ले लेनी है और देखना है कि वो इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड a टाइम्स बी प्लस सी, इसकी हम ith एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है a का और b प्लस सी का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम प्रोडक्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स की ith एंट्री लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स यानी बी प्लस सी की jth एंट्री लेंगे। सो हियर वी टेक द ith एंट्री ऑफ a एंड jth एंट्री ऑफ b प्लस सी। इफ वी मल्टीप्लाई हियर वी टेक द डमी वेरिएबल k एंड देन वी एड ओवर k। तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं कि सिग्मा k ए आई के और बी प्लस सी कॉमर्सल लिख सकते हैं कि बी के जे प्लस सी के जे अब यहाँ पे क्योंकि ये ए आई के बी के जे सी के जे ये तीनों क्या हैं नंबर्स हैं तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें नंबर्स की रियल नंबर्स की इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा के ए आई के टाइम्स बी के जे प्लस ए आई के सी के जे और अब हम अगर अलग अलग सिग्मा अप्लाई करें समेशन अप्लाई करें समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस समेशन ऑफ सेकंड टर्म तो ये क्या होगा तो ये हो जाएगा सिग्मा के ए आई के बी के जे प्लस सिग्मा के ए आई के सी के जे अब अगर यहाँ पे आप दोबारा गौर करें इस फार्मूला पे तो हम देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है और ये भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है तो ये जो प्रोडक्ट है ये ए बी का प्रोडक्ट है हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए की ith एंट्री लेंगे और बी की jth एंट्री लेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है जी ये है ए बी आई जे और ये कौन सा है ए सी आई जे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी आई जे तो हमने ये देखा कि ए टाइम्स बी प्लस सी की आई जेथ एंट्री ए बी प्लस ए सी की आई जेथ एंट्री के इक्वल है इट मीन्स कि इनके ऑर्डर्स ऑलरेडी सेम थे और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है इट मीन्स ए टाइम्स बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी सो हेंस ए टाइम्स बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं अभी हम प्रूव करेंगे थर्ड पार्ट अब हम ए का ऑर्डर जो है ले लेते हैं m बाई एन और बी का ऑर्डर हम लेते हैं n बाई पी तो हमने प्रूव करना है k टाइम्स ए बी इज इक्वल टू के ए टाइम्स बी विच इज इक्वल टू ए टाइम्स के बी तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी हमारे पास थ्री साइड्स हैं तो क्या इन तीनों मैट्रिसेस ये तीनों मैट्रिसेस हैं तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इनके ऑर्डर्स देख लेते हैं तो अब के टाइम्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा ए का ऑर्डर है एम बाई एन बी का है एन बाई पी ए बी का होगा एम बाई पी तो के टाइम्स जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज ही होगा तो इसका ऑर्डर होगा m बाई पी इस तरह यहाँ पे भी के ए का ऑर्डर होगा m बाई एन और b से जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर भी होगा m बाई पी और यहाँ पे भी के बी का ऑर्डर होगा सेम रहेगा n बाई पी और जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी m बाई पी तो हम देख रहे हैं कि तीनों साइड्स के ऑर्डर सेम हैं अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करते हैं आई jth एंट्रीज चेक करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले के टाइम्स ए बी इसकी ith jth एंट्री देख लेते हैं तो यहाँ पे हम a टाइम्स बी कर रहे हैं तो हम a की ith एंट्री लेंगे और b की jth एंट्री लेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पे इसको सर लिखेंगे k टाइम्स तो हम लिखेंगे a ith एंट्री ऑफ a एंड jth एंट्री ऑफ b हम यहाँ पे k ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो हम डमी वेरिएबल यहाँ पे m लेते हैं m i m m j और ऐड करेंगे ओवर एम तो अब हम इस के को कांस्टेंट को यहाँ अंदर मूव कर सकते हैं समीशन में तो होगा सिग्मा एम के टाइम्स KIM BMJ। अब यहाँ पे देखें KAIM BMJ ये तीनों रियल नंबर्स हैं, तो हम इनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इस तरह लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स K टाइम्स IM टाइम्स BMJ। अब ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम KA मैट्रिक्स की ith एंट्री और B की jth एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा KA टाइम्स B तो ith jth एंट्री ऑफ KA टाइम्स B। तो हमने देख लिया KA टाइम्स AB की ith jth एंट्री और KA टाइम्स B की ith jth एंट्रीज, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। इट मीन्स K टाइम्स AB इज इक्वल टू KA टाइम्स B। सिमिलरली हम इसको भी देख सकते हैं कि ऊपर ये जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे कि σ M A I M K B M J and there is equal to A times KB ith jth। So A times KB ith jth entry is also equal to the ith jth entries of these two. So we have proved that K times AB is equal to KA times B, which is equal to A times KB। Now we will talk about transpose of a matrix, and we will prove some properties based on the transpose of a matrix. So the transpose of a matrix is let a matrix A be a matrix with order m by n, then the transpose of A written as AT is a matrix which is obtained by interchanging the rows and columns of the matrix A। यहाँ आप देख सकते हैं कि A की जनरल फॉर्म है Aij with order m by n। तो जो A का ट्रांसपोज होगा वो इस तरह लिखा जाएगा Aji और उसका ऑर्डर होगा n by m। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसके जो रोज हैं इसके कॉलम्स बन जाएंगे और इसका कॉलम जो इसके रोज बन जाएंगे, तो ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। अब हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज के ऊपर एक थ्योरम प्रूव करते हैं। सो द थ्योरम इज इफ द मैट्रिसेस A एंड B आर कंफर्मेबल फॉर the sum A plus B and product AB, then A plus B whole transpose will be equal to A transpose plus B transpose, and A transpose will be equal to A, and K times A whole transpose will be equal to K times A transpose, and AB whole transpose will be equal to B transpose times A transpose। हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरम। there is A plus B transpose is equal to A transpose plus B here, क्योंकि जहाँ पे हम A और B के सम की बात करें तो हम उनका ऑर्डर्स ऐसे लेंगे ताकि उनका वो सम के लिए कन्फर्मेबल हो। तो हम यहाँ पे तो A को भी हम m by n मैट्रिक्स ले लेते हैं और B को भी m by n लेते हैं ताकि उनका सम A plus B पॉसिबल हो। तो अब हम प्रूव करते हैं कि A plus B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये भी दो मैट्रिसेस हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड का ऑर्डर क्या है। तो अब देखिए A प्लस बी, A का ऑर्डर m बाई एन और B का m बाई एन, तो A प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा m बाई एन। अब उसके ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर होगा, m बाई एन को हम इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे ऑर्डर होगा। सो देखिए ऑर्डर ऑफ A plus B is m by n, order of A plus B transpose, so this will be equal to n by m। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर। अब इस तरह राइट हैंड साइड का ऑर्डर क्या होगा, सो ऑर्डर ऑफ A is m by n, ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज क्या होगा n by m। इस तरह B का ऑर्डर भी m by n है और B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा m, n by m। तो इसी तरह ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज वो होगा n by m। तो ये राइट हैंड साइड का ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं, सेम। अब हमने इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करनी है। अब हमने शो करना है कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो हम दोनों की ith jth एंट्रीज लेके चलेंगे। सो नाउ ith jth एंट्री ऑफ A प्लस बी ट्रांसपोज। सो दैट इज इक्वल टू A प्लस बी, तो jth ith एंट्री। A प्लस बी ट्रांसपोज की हम ith jth एंट्री ले रहे हैं तो A प्लस बी की एंट्री क्या होगी, वो jth ith होगी। सो विच इज इक्वल टू jth ith एंट्री ऑफ A प्लस jth ith एंट्री ऑफ B। सो विच इज इक्वल टू, अगर हम ट्रांसपोज ले लें इट मीन्स ith jth एंट्री ऑफ A ट्रांसपोज। सिमिलरली यहाँ पे ith jth एंट्रीज ऑफ B ट्रांसपोज, विच इज इक्वल टू AT प्लस BT ith jth एंट्री। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A प्लस बी होल ट्रांसपोज की ith jth एंट्री और A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की ith jth एंट्री सेम है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। तो दिस इंप्लाइज कि A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब हम सेकेंड पार्ट को प्रूव करते हैं कि A ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। A को हम कोई भी अब ऑर्डर देख सकते हैं। सपोज A जो है वो m बाई n मैट्रिक्स हमारे पास, A इज m बाई n। तो ऑर्डर ऑफ AT क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, सो ऑर्डर ऑफ AT विल बी इक्वल टू n बाई m। सो ऑर्डर ऑफ AT फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा m बाई n। और राइट हैंड साइड पे भी ऑर्डर A का m बाई n, तो ऑर्डर दोनों तरफ दोनों साइड का सेम है। अब हमने इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करनी है। सो वी टेक द ith jth एंट्री ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि jth ith एंट्री ऑफ AT, यहाँ पर हमने ट्रांसपोज को हटा दिया तो ith j से jth ith होगी, विच इज इक्वल टू अगेन ith jth एंट्री ऑफ a। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a t ट्रांसपोज की ith jth एंट्री और a टाइम्स और a की ith jth एंट्री सेम है। सो दिस एम्प्लाइज कि a ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। नाउ वी प्रूव थर्ड पार्ट। Now we prove K A whole transpose is equal to K times A transpose। अब हम A को ले लेते हैं M by N। तो यहाँ पे देखें A का ऑर्डर M by N है तो K times A का भी M by N होगा। तो ऑर्डर ऑफ K A is equal to M by N। सो ऑर्डर ऑफ के ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने से ये ऑर्डर एन बाई एम हो जाएगा। इस तरह राइट हैंड साइड पे देखें, सो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है, वो है एन बाई एम। ऑर्डर ऑफ के टाइम्स ए ट्रांसपोज वो भी एन बाई एम होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं, सेम है। अब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री चेक कर लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ आई जेथ एंट्री ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सो विच इज इक्वल टू जेथ आईथ एंट्री ऑफ के ए, सो विच इज इक्वल टू के टाइम्स जेथ आईथ एंट्री ऑफ ए, सो विच इज इक्वल टू के टाइम्स ith jth एंट्री ऑफ a ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि के ए ट्रांसपोज की करस्पॉन्डिंग एंट्री के टाइम्स ए ट्रांसपोज की करस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल है। सो दिस एम्प्लाइज के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के टाइम्स ए ट्रांसपोज। प्रूव। नाउ वी प्रूव द लास्ट पार्ट, द ट्रांसपोज ऑफ अ प्रोडक्ट। अब ए और बी को कन्फर्मेबल बनाने के लिए, ए टाइम्स बी के लिए, अब हम ए और बी का ऑर्डर लेंगे। ए को हम ले लेते हैं एम बाई एन और बी का ऑर्डर हम ले लेते हैं एन बाई पी, सो दैट ए बी इज पॉसिबल। अच्छा, अब हमने प्रूव करना है फोर्थ पार्ट। तो हम प्रूव करेंगे कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रही है। तो पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर होगा एम बाई पी। तो ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, वो होगा पी बाई एम। इधर राइट हैंड साइड पे देखें, ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज वो होगा P by N एंड ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज वो क्या होगा N by M। सो ऑर्डर ऑफ B ट्रांसपोज टाइम्स A ट्रांसपोज दिस इंटू दिस P by M। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर P by M है और राइट हैंड साइड का ऑर्डर भी P by M है। तो ऑर्डर उनके सेम है। अब उनकी हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक कर लेते हैं। तो हम दोनों की ith jth एंट्रीज चेक करेंगे। नाउ ith jth एंट्री ऑफ दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम a b लेते हैं तो उसकी ये jth ith एंट्री हो जाएगी। अब ए बी की jth ith एंट्री क्या होगी, प्रोडक्ट की समिशन सिग्मा वाली। यहाँ पे नोटेशन हम यूज करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट। सो तो हम क्या करेंगे, हम ए की jth एंट्री लेंगे और बी की ith एंट्री लेंगे। सो वी टेक jth एंट्री ऑफ ए एंड ith एंट्री ऑफ b फिर डमी वेरिएबल k और फिर हम उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे ऊपर k। ओके अच्छा अब हम देखिए यहाँ पे ये दोनों नंबर्स हैं रियल नंबर्स हैं ए जे के बी के आई, ये क्या है रियल नंबर्स हैं। तो हम इनको क्योंकि रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है तो हमको रीअरेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि बी के आई ए जे के, और अगर मैं इनके ट्रांसपोज लेता हूँ लाइक बी के ट्रांसपोज में लेता हूँ फिर के आई से क्या हो जाएगा आई के और ये क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज की ये एंट्री हो जाएगी के जेथ एंट्री हो जाएगी। यहाँ से अगर आप और करें तो ये क्या है अगेन प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट है और उसकी हम कौन सी एंट्री लेंगे आयथ जेथ एंट्री। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज की आयथ जेथ एंट्री इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आयथ जेथ एंट्री। सो दिस इंप्लाइज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। डन। सो दिस वॉज द प्रूफ ऑफ थ्योरम बेस्ड ऑन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़।